हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हमने रेपो रेट देखा था, उसमें क्या हो रहा था, जो कमर्शियल बैंक्स थी वो आरबीआई से पैसे ले रही थी, आरबीआई लेंड कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करती है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लेंड करती हैं। तो ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई बोरो करती है पैसे कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह से, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जो है ये एक एसेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जो कि आरबीआई उसको यूज़ करती है जब टाइम आता है तो, ठीक है। ये सेट कौन करता है, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए कितना नहीं, सेट कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट करती है, ठीक है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, 6 मेंबर कमेटी है, और ये सेट करते हैं रिवर्स रेपो रेट को। आरबीआई जो है यूज़ करता है रिवर्स रेपो रेट को एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टू करेक्ट इन्फ्लेशन, रेसेशन और डिप्रेशन, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इज़ ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका ऑलवेज लेस होता है देन रेपो रेट, क्योंकि इसमें आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कम होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में किसको देना, इंटरेस्ट देना होता था, कॉमर्शियल बैंक्स को देना होता था, तो उसमें ज़्यादा हुआ करता था, मतलब होता है। तो जब रिवर्स रेपो, इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन हो जाते तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कैसे यूज़ करती है, क्या करती है इसमें चेंजेस? तो इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको एकदम बढ़ा दिया जाता है। मार्केट में जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई को करना क्या होता है कि मार्केट से पैसे कैसे करके अब्सॉर्ब कर लिया जाए, खींच लिया जाए मार्केट से पैसा। तो जब मार्केट से पैसे खींचने होते तो आरबीआई बोरो करती है मनी कॉमर्शियल बैंक से, और उनको ये कह करके कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक से इन्वेस्ट करवा लेती है आरबीआई। तो जो कॉमर्शियल बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, तो कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ बचा ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा ऐसा नहीं कह सकते, कम पैसे बचेंगे, ठीक है। अब उतने में से ही लेंड करना है लोगों को, कंज्यूमर्स को। तो जब कंज्यूमर आएंगे तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे कॉमर्शियल बैंक्स के पास, तो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगी, ठीक है। और इंक्रीज़ करते ही लोग, अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे बैंक्स में, फिर वो बैंक में पैसे नहीं रखेंगे, उसको सेव करेंगे या फिर कह लो कि लेंड नहीं, मतलब बोरो नहीं करेंगे, मतलब लोन नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो लोन लोग नहीं लेंगे उस टाइम पे। लोन नहीं लेंगे तो खर्चा भी कम होगा, स्पेंडिंग कम होगी मतलब बेसिकली डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी, खर्चे कम होंगे, तो मार्केट में पैसा कम से कम जाएगा, और कम से कम जाएगा और बल्कि वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मार्केट से पैसा कम हो जाएगा बहुत, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस ट्रिक के थ्रू, जो आरबीआई या रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, मार्केट से पैसे को ख़त्म करती है और इन्फ्लेशन को कम करती है। नेक्स्ट है व्हेन रिवर्स रेपो रेट डिक्रीजेज, जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट मतलब डिक्रीज होना, जो आरबीआई पैसे बोरो कर रही है तो उसमें कम से कम इंटरेस्ट देगी, तो जब ऐसा होगा तो कमर्शियल बैंक्स इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे, फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो उनके पास पैसे बचे रहेंगे, तो वो जब इन लोगों को इंटरेस्ट देगी तो, मतलब जब लोगों को लेंड करेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी, लोग लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और स्पेंड करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। अब लोन लिया है तो कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेंगी, तो बेसिकली मार्केट में पैसा आ रहा है, उसके थ्रू मार्केट में पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, और ऐसे करके क्या हो रहा है, बेसिकली जो रेसेशन है वो ख़त्म किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। इकोनॉमी एक्सिलरेट करेगी, डिमांड बढ़ेगा तो लोग स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी एक्सिलरेट करेगी, लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, रेसेशन कंट्रोल होगा। तो रिवर्स रेपो रेट में मेरे साइड से इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।